हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तखतगढ़ सहित सुमेरपुर तक ग्रामीण क्षेत्रों में उड़ रही आदर्श आचार संहिता की धज्जियां। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में आगामी 7 दिसंबर को होने वाले आम चुनावों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू करने के बाद भी तखतगढ़ सहित ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर सुमेरपुर तक आज भी जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीयकृत कांग्रेस पार्टी के खुलेआम लगे पोस्टर राह गुजरते आमजन को आकर्षित करते दिखाई दे रहे हैं। इन पोस्टर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट सहित कई नेताओं के फोटो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता लगने के 7 दिन बाद भी स्थानीय प्रशासन के नजरों से कोसों दूर है। रविवार को दोपहर 2 बजे के बाद जागरूक टाइम्स ने तखतगढ़ से लेकर सुमेरपुर 4 लाइन के अंडर ब्रिज तक नजर रखने पर जगह जगह वही सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर तो कहीं सड़क पर लगे संकेत बोर्ड पर भी लगे होने का प्रत्यक्ष मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर को चुनावी घोषणा के साथ ही दोपहर 3 बजे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू होने की घोषणा के बाद तुरंत प्रभाव से स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा क्षेत्र में लगे होर्डिंग पोस्टरों को हटाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर शुरू तो कर लिया था, लेकिन आचार संहिता लगने के 7 दिन बाद भी रविवार को सुमेरपुर से रवाना होकर 4 लाइन हाईवे का अंडर ब्रिज पार करते ही रास्ते में सार्वजनिक स्थान पोमावा प्याऊ, मोरडू प्याऊ, खिवांडी बस स्टैंड, बाकली बांध के मोड़ पर शक्ति माता मंदिर के मुख्य द्वार के सामने पड़ा एक बड़े पत्थर के स्लैब पर भी पोस्टरों की लाइन लगी हुई है। उसके बाद बांकली बलूपुरा स्टैंड सहित तखतगढ़ नेशनल हाईवे निर्माणाधीन गौरव पथ सहित संकेत बोर्डों पर भी आज भी आचार संहिता की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। तखतगढ़ से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।